क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से देखो इसको, ये दिमाग में उतारने की कोशिश करो क्या कह रहा है। साइन ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस साइन बी एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो। सबसे पहले हम जो चेक करते हैं स्टेप हमारा, वो है क्या सिंगल एक्सप्रेशन है या नहीं। पहला स्टेप यही होता है हमारा। अब सिंगल एक्सप्रेशन चेक कैसे करते हैं, इस चीज़ को ध्यान दो। जब डिनोमिनेटर एक होता है ना, ऊपर वाली टर्म्स के लिए डिनोमिनेटर सेम होता है, उसको बोलते हैं सिंगल एक्सप्रेशन का होना। क्या आप इसको ऐसे ब्रेक करके नहीं लिख सकते, साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स प्लस साइन बी एक्स प्लस बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस साइन बी एक्स, लिख सकते हो ना। बात तो एक ही है, इसका मतलब ये चीज़ सेम है ना। अगर ऐसे लिखा होता और आपसे कहा जाता कि इसको सोल्व करो, तो आप सबसे पहले सिंगल एक्सप्रेशन में बनाते ना इसको, तो आप इजीली इसको ऐसे बना देते, है ना। अब ये ऑलरेडी सिंगल एक्सप्रेशन में है, तो इसमें आप डायरेक्ट सेकंड स्टेप लगाओगे, कौन सा, पुट वैल्यू। अब इसमें सेकंड स्टेप आप यूज़ करोगे तो वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू ज़ीरो प्लस बी इंटू ज़ीरो अपॉन ए इंटू ज़ीरो प्लस साइन बी इंटू ज़ीरो। ये साइन ज़ीरो ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो प्लस ज़ीरो, क्या हो गया ज़ीरो अपॉन ज़ीरो, विच इज़ इनडिटरमिनेट, विच इज़ इनडिटरमिनेट या अनसर्टेन। अच्छा, अब अनसर्टेन है तो अब क्या करोगे, थर्ड स्टेप क्या लगाते हो आप, सिंपल फॉर्म में लाते हैं इसको, सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। अब सिंप्लीफाई करने में आप इसको क्या करोगे, क्या लग कर क्या सकते हो इसमें, कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लो। ये क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस ज़ीरो है, इसमें से आप कॉमन लोगे x, तो क्या बचेगा, साइन ए एक्स अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन, इसमें से कॉमन लोगे x, तो क्या बचेगा, a प्लस साइन बी एक्स अपॉन एक्स, बच गया। क्योंकि हमने यहाँ से कॉमन लिया है, वेरी गुड, शाबाश, आपने तो ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज को ही वॉयलेट कर दिया। ये एंगल होता है हमेशा, इसमें से कॉमन ले ही नहीं सकते हैं। अगर ये ऐसे लिखा होता एक्स साइन ए एक्स प्लस बी एक्स, तब एक्स एक्स कॉमन आ जाता। जब ये एंगल में बंध गया ना, तो ये पूरा कॉमन आ सकता है, ये नहीं कॉमन आएगा। तो अब कॉमन लाने का सही तरीका ये है, एक्स कॉमन आ गया, ये निकल गया एक्सप्रेशन, अब ये निकल गया। बट इसका भी हम कुछ कर तो सकते नहीं है, यहाँ पे हमें ए से डिवाइड करना पड़ेगा और ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे आइडेंटिटी जो लगानी है उसमें यहाँ पर और यहाँ पर एंगल सेम होना चाहिए हमारा। अब इसको भी चेंज करना पड़ेगा, देखते हैं। अभी हम यहाँ पे भी कर देते हैं, बी से मल्टीप्लाई, बी से डिवाइड, है ना, ये सेम हो गया। क्योंकि यहाँ जो एंगल होता है उतना ही एंगल हमें यहाँ लाना होता है और उतना ही एंगल यहाँ लाना होता है। यहाँ तो हम इजीली ले आए एंगल मल्टीप्लाई डिवाइड करके, यहाँ लाते हैं हम। देखो, वी नो, एज वी नो, कि जब x अप्रोच करता है ज़ीरो को, तो ए एक्स अप्रोच करेगा ज़ीरो को, बी एक्स भी अप्रोच करेगा ज़ीरो को। सीधी सीधी सी बात है ना, समझ में आने वाली बात है। अच्छा, अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, x से x कट गया। अच्छा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम इसको, लिमिट ए एक्स अप्रोचेस ज़ीरो, a बाहर ले लेंगे, ये हो गया हमारा साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स। इस पे ही लगाई हमने लिमिट, इस पे नहीं लगाई, इसको अलग रख दिया फ्री। ऐसे ही इस पे a प्लस बी बाहर ले लिया, लिमिट बी एक्स अप्रोचेस ज़ीरो साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स। बात आई समझ, बस। तो ये क्या हो गया हमारा वन, ये क्या हो गया वन, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी अपॉन a प्लस बी इज इक्वल्स टू वन। इसको लिख देंगे हम यूजिंग आइडेंटिटी, साइन x अपॉन x लिमिट x अप्रोचेस ज़ीरो इज इक्वल्स टू वन होता है, ये आइडेंटिटी लगाई है, बना गया। आई बस समझ, आसान था,
अब तो सारे आसान लगे।